गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ टू टर्म्स, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल बेसिस। ओके, देखिए बेटा, जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर इफेक्ट किसका पड़ता है? किसी एक चीज़ का इफेक्ट हम उस पर नहीं देखते हैं कि आप उसको सिर्फ आप इन्वायरमेंट के बेसिस पर किसी भी बिहेवियर को आप क्लैरिफाई कर दें। वहाँ पर क्या होता है, जो आपके बायोलॉजिकल बेसिस हैं, बायोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, वहाँ पर उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन बिहेवियर को जस्टिफाई करने में। ओके, एज वेल एज़ आपका जो साइकोलॉजिकल टर्म है वो भी वहाँ पर मैटर करता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू टर्म्स। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है कि जिस तरह का आज हम अपना रूप देखते हैं या कोई भी स्पीशीज हम आज इस वर्ल्ड में देखते हैं, तो वो क्या है कि स्टार्टिंग से वो ऐसे नहीं थे जैसा आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं थे, तो वो किस तरह का इवोल्यूशन लेके वो इस तरह की फॉर्म में आए हैं जैसा कि हम आज उनको देखते हैं, तो वो है आपका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इन दिस वर्ल्ड देयर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरिंग इन अ वैरायटी ऑफ फेज। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट दीज स्पीशीज वर नॉट ऑलवेज लाइक दिस। दे हैव इवोल्व्ड टू देयर प्रेजेंट फॉर्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड सम 2 लाख ईयर्स अगो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, बात हो रही है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितने भी स्पीशीज हैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की, उनका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो किस तरह से हुआ। अब जो हमारी बायोलॉजी क्या कहते हैं कि हर कोई बंदा एक दूसरे से डिफर है। हम लोग रूप रंग में अलग हैं, हमारी जो जेनेटिक, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सब कुछ अलग है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। जो उनकी प्रेजेंट फॉर्म हम देख रहे हैं और जो उनकी प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म थी, उससे क्या हुआ है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है कि ग्रेजुअल जो है डेवलपमेंट होना। और डेवलपमेंट भी कैसा है बेटा कि इसको हम पॉजिटिव डेवलपमेंट बोलेंगे, कि ये कभी निगेटिव में नहीं जाता। जो इवोल्यूशन वर्ड है ये कभी भी आपका निगेटिव फॉर्म में हम इसको कंसिडर नहीं करते, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो अच्छा होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड सम 2 लाख ईयर्स अगो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। उन्होंने क्या कहा कि ये जो आज का जो आपका ह्यूमन बींग है जिसको हम देखते हैं एज अ मॉडर्न ह्यूमन बींग, तो ये आपका 2 लाख साल पहले से भी जो हमारा इंटरेक्शन चला आ रहा है इन्वायरमेंट के साथ, कंटिन्यूस इंटरेक्शन चला रहा है इन्वायरमेंट के साथ, आज ये उसका रिजल्ट है। इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे जो एंशियंट उसमें क्या समझा जाता था, एप बोला जाता था, एप की फॉर्म में थे हम लोग जो थे, लेकिन धीरे 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 वो एप ने आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसका रूप ले लिया है। तो वो क्या है, इवोल्यूशन ही तो है। हम लोग एप से आज कहाँ किस उसमें मॉडिफाई हो गए हैं, एक सिविलाइज्ड पर्सन में वो हो गए हैं। आज हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी ब्रॉड हो गई है, हमारा सोचने का तरीका भी अलग हो गया है। तो ये सब क्या है, इवोल्यूशन है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इवोल्यूशन रेफर्स टू ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन अ स्पीशीज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग adaptational demands of their environment। देखिए evolution क्या है, एक gradual और orderly biological change है। gradual means एक बहुत जल्दी चलने वाली process नहीं है, धीरे धीरे ये generate होती है, धीरे धीरे ही form करती है, ये work करती है अपना। एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंज, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि अभी ये इस स्टेप पर चेंज हो रहा है तो आप जो है इस स्टेप तक आ जाओ, इसके बाद आपको इस स्टेप तक आना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये होगा तब आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो ऑर्डरली चेंज होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म होती है किसी भी स्पीशीज में, वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है किसके अकॉर्डिंग,
जो भी डिमांड होती है इन्वायरमेंट की, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो चेंज लेके आती है अपने बिहेवियर में, या जो भी उसकी फॉर्म है, प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उसमें क्या करती है, वो चेंज लेके आती है। वो चेंज क्यों लेके आती है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट की डिमांड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, इवोल्यूशन। जब हम इन्वायरमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेके आते हैं, तो उनको बोला जाता है इवोल्यूशन। ओके, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस डेट अकर ड्यू टू द इवोल्यूशनरी प्रोसेस आर सो स्लो डैट दे बिकम विजिबल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस। अब ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसके साथ साथ आपके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, और वो किसकी वजह से आते हैं, इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से आते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेजुअल। हमने यहाँ पर पहले भी बात की थी, और ये वर्ड यहाँ पर क्या है, उसी को क्लैरिफाई कर रहा है। वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। चेंजेस तो होते हैं, ये प्रोसेस तो होती है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, और इसीलिए जो उसके रिजल्ट होते हैं वो आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस के बाद हमें विजिबल होते हैं। कि इवोल्यूशन अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यू नो डैट मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज वेरी ग्रेटली इन देयर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। द ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेट आर एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दोज स्पीशीज आर द मोस्ट लाइकली वंस टू द पास्ट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब बात आती है आपकी नेचुरल सिलेक्शन की। जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो वहाँ पर क्या है, वो किसके थ्रू होती है, आपकी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होती है। कैसे, नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट की डिमांड्स होती हैं, जो हमारी नेचर हमसे डिमांड कर रही है, तो अगर जो भी स्पीशीज़ है, जो भी पर्सन है, या जो भी आप एनिमल जो भी है, वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, तो उसको क्या करती है, जो नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेती है, वो तो सर्वाइव कर जाएगा। और जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज नहीं ला रहा और अडेप्टिबिलिटी नहीं है, वो स्पीशीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें यही बात आ रही है कि जो चीज़ें, जो स्पीशीज़ अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन कर लेती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं, और रिप्रोडक्शन करके वो और उनकी तरह ही जो नई जो जनरेशन होती है वो आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। थ्री इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। अब यहाँ पर बात आ रही है उन तीन फीचर्स की मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की, जो उन्हें किससे अलग करती हैं, जो उनके एंसेस्टर से, एंसेस्टर कौन थे, आपके एप थे हमारे, तो उन एप से हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, कौन से वो फीचर्स हैं, वो हैं आपका जो फर्स्ट है आपका, अ बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन विद इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर कॉग्निटिव बिहेवियर्स लाइक परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। क्या कह रहे हैं कि अब जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है और बड़ा है इन कंपेरिजन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। और वो जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो सेरेब्रम है, वो भी क्या हो गया है, डेवलप हो गया, और उसी के बेस पर क्या हो रहा है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो भी ब्रॉड हो गई है। हम आज अच्छे से सोच सकते हैं, हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का अच्छे से परसेप्शन कर सकते हैं, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे विजुअल परसेप्शन हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या फिर हमें, हमारे अंदर क्या है, रीजनिंग की कैपेबिलिटी भी आ गई है। अगर कोई पॉइंट है, कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, तो वहाँ पे हम रीज़न के साथ उसको एक्सेप्ट करना सीख गए हैं, रीज़न ढूंढते हैं हम हर एक चीज़ का, विदाउट एनी रीज़न हमारा जो माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारे अंदर कैपेसिटी आ गई है, और ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके अंदर नहीं थी, लेकिन अब हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप्ड हो गया है, उससे हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो भी डेवलप हो गई है, ठीक है। क्योंकि जब ब्रेन डेवलप होगा तो आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो भी तो आगे फॉर्म लेगी, वो भी तो आगे ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब हमारा ब्रेन बड़ा है तो हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर है वो भी बढ़ गया, अच्छा हो गया है। कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है कि जो भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, वो सब क्या हो गई हैं, ब्रॉडर टर्म में आज आ गई हैं। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है वो पहले से ज़्यादा
कहीं अधिक बढ़ गई है। एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, और जो लैंग्वेज है उसको भी हम प्रॉपर यूज़ करना सीख गए हैं कि किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करना है। जब पहले क्या था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ थी कि जी रहे थे लोग, अपना जो लाइफ को जो था काट रहे थे, लेकिन उनके अंदर मेमोरी नहीं थी, क्या रीजनिंग पावर नहीं थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी, तो वो क्या था, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के साथ। ओके, और जो लोग सर्वाइव कर गए थे, जो स्पीशीज सर्वाइव कर गई थी, तो उससे क्या हुआ, जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो आगे उनकी जो न्यू जनरेशन थी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, और उस न्यू जनरेशन के अंदर कुछ और कैपेबिलिटीज़ आई, फिर वो नेक्स्ट जो फर्दर जनरेशन थी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, सेकेंड आपका एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन टू लेग्स। अब क्या है कि पहले जो स्पीशीज थी वो क्या है, चार पैरों पर चलती थी, लेकिन आज क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, दो पैरों पर चल रहे हैं, अपने दो हाथ हैं उनके और दो पैर हैं, और दो पैरों पर का यूज़ वो चलने के लिए कर रहे हैं और सीधा चल रहे हैं। जैसे पहले क्या था, झुक के चलता था, लेकिन अब क्या है कि सीधा खड़ा होकर जो ह्यूमन बीइंग है वो चलता है। तीसरा है अ फ्री हैंड विद अ वर्केबल अपोजिंग थंब। आज क्या है, अपने हाथों का जो प्रयोग है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको अच्छे से क्या कर सकता है, अपने हाथों को यूज़ कर सकता है, किसी चीज़ को पुल कर सकता है, किसी चीज़ को पुश कर सकता है, वेट उठा सकता है। तो ये जो कैपेबिलिटी थी, ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके अंदर ये नहीं थी। दीज फीचर्स हैव बीन विद अस फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। Our behaviors are highly complex and more developed than those of other species because we have got a large and highly developed brain. अब जो हमारा behavior है वो बहुत ही ज़्यादा complex है। हमारा behavior means जो human beings का behavior है, ये बहुत ही complex है और बहुत ही ज़्यादा developed है in comparison of other species। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है उसके ब्रेन में, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अपने ब्रेन की पावर्स के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अदर स्पीशीज में इतनी ज़्यादा ये जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए वो उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, और उनका जो ब्रेन है उसका जो वेट है और जो साइज़ है वो भी ह्यूमन बीइंग्स के कंपेरिजन में कम होता है। ओके, Human brain development is evidenced by two facts. Firstly, the weight of the brain is about 2.35% of the total body weight and it is the highest among all species. बात आती है यहाँ पर human beings के जो weight है किसका, brain का, वो कितना होता है, 2.35% है किसका, total body weight का इतना है। और ये क्या है, जितने भी आपके species हैं उन सब में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है ये। ठीक है, अब देखिए एलिफेंट है, एलिफेंट को सबसे बड़ा माना जाता है आपका जीव जंतुओं में, तो वहाँ पर क्या है, उसका भी 0.2% होता है जो उसका ब्रेन का वेट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का होता है 2.35% टोटल बॉडी वेट का। तो समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा जो हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कितनी सारी कैपेसिटी है, कितनी सारी पावर्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। सेकेंडली, द ह्यूमन सेरेब्रम इज मोर इवॉल्व देन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ये जो हमारा सेरेब्रम है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, जितना ज़्यादा आपके अदर पार्ट्स हैं बॉडी के इतना ज़्यादा वहाँ पे चेंज नहीं आया जितना ज़्यादा सेरेब्रम में आया है, और उन्हीं के बेसिस पर हमारा क्या होता है, ये जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया है। दीज इवोल्यूशंस हैव रिजल्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिमांड्स। अब ये जो इवोल्यूशन हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, आपका इन्वायरमेंटल डिमांड्स की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। इन्वायरमेंटल डिमांड्स क्या है, हमारी नेचर हमसे कुछ डिमांड कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को या अपनी बातों के अंदर चेंज लाने, वो क्या है, आपका इवोल्यूशन हो गया, और इन्वायरमेंटल डिमांड्स जो हमसे नेचर ने मांगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं। सम बिहेवियर्स प्ले एन ऑब्वियस रोल इन इवोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल द एबिलिटी टू फाइंड फूड, अवॉइड predators,
एंड डिफेंड वंस यंग आर द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर स्पीशीज। और कुछ बिहेवियर्स क्या हैं वो ऑब्वियसली उनका रोल रहता है इवोल्यूशन की प्रोसेस में, लाइक आप किए हैं कि जो फूड को ढूंढने की जो एबिलिटी है वो हो गई आपकी, अवॉइड प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स को अवॉइड करना, और जो यंग वंस हैं उनकी क्या करनी है, उनको डिफेंड करना है, और जिससे जो आप का ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। द बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर क्वालिटीज विच आर हेल्पफुल इन मीटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीज एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू पास इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन थ्रू इट्स जीन्स। अब ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये जो आपके बायोलॉजिकल और बिहेवियर क्वालिटीज़ हैं इनके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, इन ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ लेकर चल रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, वो क्या होगा, उसकी एबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी किस चीज़ में, जो उसकी फ्यूचर जनरेशन है वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की, अपने जो जीन्स हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जीन्स के थ्रू वो उनमें ट्रांसफ़र कर सकता है।